इस मंच पर नई आवाज में इसलिए कह रहा हूं कि जो 3% अध्यक्ष है किसी ना किसी रूप में उन पार्टियों की सरकार हरियाणा में रह चुकी है। एक नई संभावना जो पिछले कुछ दिनों से इस राज्य में लड़ाई लेने की कोशिश कर रही है उसके प्रदेश प्रमुख के तौर पर नवीन जी हमारे बीच में है। नवीन जी ऐसा क्या एजेंडा आपके पास है जिसके कारण से आपको लगता है कि हरियाणा में आपकी जड़ें जम सकती हैं? देखिए सीधी सीधी बात करूंगा जी, मैं इनकी तरह लड़ना तो मेरे को आता नहीं। मैं इनको बोलता हूं सीबीआई वाले, इन्होंने हरियाणा का भट्ठा बैठा दिया। सीबीआई का मतलब कांग्रेस तो ये बैठी थी, बीजेपी ये बैठी पी से आई से लोग, इनके पास पूरे हरियाणा के लिए। मैं एक आम आदमी हूं जी, आम घर का बालक हूं, ये अपने जो भी है ठीक है। ये जाति के नाम से कांग्रेस वाले जाति के नाम थे, बीजेपी वाले धर्म के नाम थे, ये क्षेत्र के नाम थे, इनके अलावा कोई चीज नहीं दो रहे। सारे लड़ लिए, आपस में लड़ने लग रहे हैं ना, इसने नाश कराया, उसने कराया। हम एक बात कहें, देखो पहले आ जाओ बीजेपी में, सरकार इनकी है तो इनके ऊपर आ जाओ। इस तरह झूठी सरकार हरियाणा मास कर रही है। उन्होंने कहा नौजवान बैठे, इन्होंने कहा था भाई 1,00,000 नौकरी देंगे हर साल, 4 साल में 20,000 नौकरी आई है, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कहा गाय हमारी माता है, इनके सारे घर कुत्ते बंदे पाओगे दूसरे। पूरे हरियाणा के अंदर अगर गाय हमारी माता है, सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी, नीचे भी इनकी, तो क्यों सड़क पर हमारी माँ कूड़ा खावा है, क्यों खावा है? इनका एक मंत्री, उसने कोई काम नहीं, सिर्फ ट्विटर बाजी के अलावा एक मंत्री वो क्या करता। मैं मतलब यूनिवर्सिटी में राजनीति करा करते जी, हमें सुना करते थे, ख्याल थे, वो कहते पूरा का चुनाव लड़ा था रॉबर्ट वडेरा, जीजा जी की सरकार, जेल में डाला गया 6 महीने के अंदर, ये बोला उन्होंने, झूठा खा गया सब कुछ, जेल में डाला गया 6 महीने। अनिल विज की बात कर रहा हूं मैं, ये भाई एक बात बताओ, ये वो जीजा जी बीजेपी का फूफा जी हो गया जी। आपको रोकूंगा, मेरा आग्रह है अपने सुधीर साथियों से जो भी सभागार में मौजूद है, एक गंभीर बहस तभी अपने अंजाम तक पहुंच सकती है जब हम उसे थोड़ी शांति से सुनने का भी प्रयास करें। आज कोई बात नहीं, एक मिनट उन्हें बोलने का तो सब लोगों को सुनने का भी मौका दीजिए। दूसरी बात बीजेपी की बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा था जी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की जो फसल बर्बाद हुई मारी तो दिल्ली में छुट्टी ही सरकार है, छुट्टी पार्टी, 20,000 के 3,00,000 मुआवजा दिया था, क्यों बात नहीं देने की? इन्होंने कहा हर जगह यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हर जगह पीजीआई खोलेंगे, हर जिले के अंदर एक पीजीआई हमारा रोहतक में, भाई साहब हत्था बना रखे हत्था। इन्होंने कहा देश की बात करते हैं, हरियाणा का भाईचारा दुनिया में मान्य हुआ था, इनने कति नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो बीजेपी सरकार की जहां तक बात है जी, कानून व्यवस्था की बात, ये मुख्यमंत्री नागरिक करता कुंभ में डांस करता है, मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है डांस करना, मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री नागरिक करता कुंभ में, भाई नौजवानों ने रोजगार दे दी, जो मुख्यमंत्री माता बहनों की इज्जत को नहीं बचा सकता ऐसे मुख्यमंत्री को तो रहने का अधिकार नहीं। पहली बात तो मुख्यमंत्री ने कहा
मुख्यमंत्री कहता है क्योंकि ये भाषणवीर तो बयानवीर तो है ही सारे बीजेपी वाले, ये उंगली काट देंगे। भाई साहब मुख्यमंत्री ने बताओ कितनी उंगली काट दी अभी गैंगरेप हुआ है, कितनी उंगली काट दी। हरियाणा के अंदर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ जा, आए तीसरे महीने प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री भी विदेश में चले जाए, देखना है मेरा नहीं। मुख्यमंत्री मैं चैलेंज करता हूं आज तक ये बता दे एक बीट लगाई हो दे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, एक बीट ना इन्होंने इन फसल बीमा योजना चलाई, किसान ने न्यू नहीं मेरा भाई तेने कौन सी फसल बोई थी, किसान ने मेरा ना इन्हें मेरा नहीं बाजरा बोए थे सक्षम के रुपये काट ले हैं। फसल बीमा योजना के नाम पे हर साल हजारों करोड़ रुपए किसानों का लूट लिया। तो भाई साहब ये जो सरकार है ये बिल्कुल महान निकम्मी महा डरपोक सरकार है, इसने कोई सरकार नहीं आ जाओ कांग्रेस पे, कांग्रेस कांग्रेस नाम की पार्टी में पकड़ी गए हैं, ये मेरी बात है। अब कंवर साहब यहां बैठे हैं, एक कंवर साहब की पकड़ी है, एक हुड्डा साहब की पकड़ी है, एक सुरजेवाला साहब की पकड़ी है, एक शैलजा जी की, एक चौधरी पता नहीं कितनी पकड़ी है पता नहीं। और सुन लो पिछले 10 साल इन्हीं की सरकार थी, हजारों एकड़ जमीन किसानों की सीएलयू के नाम पे, जिस आदमी का जिस एमएलए का जो छोरी के ब्याह में कन्यादान का लड़का नहीं आता ना वो आज 1000 करोड़ का बना रखा है इनने। सीएलयू के नाम पे दुनिया भर के मन नहीं पता भाई सीएलयू तो साहब ने मिली नहीं मिली इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर नौकरियों के नाम पे सब ने मेरा जितने भी यहां बैठे नौकरियों के नाम पे सारे खूब हो चुका। अरे पूरे ने पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं, जातिवाद क्षेत्रवाद में कांग्रेस वाला ने भी कोई कमी नहीं रख रहा। ये बात जाओ जी इन लोगों के ऊपर, भाई साहब बसपा के साथ तो कर रहे हैं गठबंधन, अरे बीजेपी की गल कर रहे हैं गुप्त बंधन। अब एक बात बताओ, हमारा गठबंधन बसपा के साथ कर रहे हैं, मैं इसलिए कहता हूं भैया बीजेपी कांग्रेस वाले तो है मौसेरे भाई और ये इन वाले हैं बुआ के छोरे। गठबंधन की आप अकेले मैं चुप रहा था। दूसरी बात भाई, संसद के अंदर सांसद दुष्यंत चौटाला जी मोदी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, और जब मोदी के खिलाफ वोट गिरने का टाइम आओ भाजपा उम्मीद। अरे हिम्मत क्यों नहीं भाई, क्यों आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, नौकरियां मिलने भी सही ना स्पीकर था, इससे हमारी दो नेता भीतर बैठी है, तीसरे का नंबर आ रहा है। इन लोगों ने देखो ईसा जी ना मार दो रहे पैसा ना मार दो रहे इतना सिस्टम कितना दो रहे, क्योंकि हरियाणा का लूट खसोट करके खा पी के सारा के पेट भरा भरा हो रहे। हमने तो सिर्फ आम आदमी है जी, हम सिर्फ ये कहें हमने दिल्ली के अंदर महारकति मतलब लाठी दे रखी है ऊपर थे मोदी साहब ने, लेकिन उसके बावजूद जो काम किया है भाई साहब, सारे सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री, किसान आदमी बीमार हो जाता हरियाणा में अगर कोई बीमार हो जाए उसने अपनी जमीन बेचनी पड़े, इनका स्वास्थ्य मंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर देगा लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का नाश मार रहेगा। इनका शिक्षा मंत्री प्राइवेट जो स्कूल की दुकान प्राइवेट दुकान है उनके उद्घाटन कर देगा लेकिन सरकारी हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल का और स्कूल का नाश मार रखे ताकि प्राइवेट आकर जाओ। आम आदमी बिजली दिल्ली में 2 रुपए यूनिट है, 7 रुपए यूनिट आती भी नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये कि न कहीं दिन पेंशन करेंगे 2000 रुपए, 5 साल हो जाएंगे बिल के आज तक नहीं हुए 2000 रुपए। तो इसलिए इन तीनों सरकारों को तीनों देख ली लोगों ने, हम तो लोग आगे नहीं गए भाई हमने के पाप कर रखा है, जमीन का मौका दे दिया मारते भी दे दो। और सुनो
हम तेनों कह भाई हम भी से गड़बड़े लगड़ जा मारे भी झूठ मार क्यों की बात है चिंता जना कर हमें कहते कहते मर गया हरियाणा के इतने लोग शहीद हुए अपने जवान हुए हैं। अरविंद केजरीवाल एकमात्र मुख्यमंत्री है जो 1 करोड़ रुपए शहीद को देता किसी को इसलिए हम तो जी नई पार्टी है लेकिन एक चीज बता देता हूं मैं ये दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टी थी मोदी जी पूरे देश में जीत गए थे और वो पूरा रथ घूमता आया उसके पिल्ले उड़े दिल्ली में गिरे थे हमने तो इसलिए अगर किसी का बहम है हड़का लेने का जिनका बहम है ले लो जी आम आदमी है चमत्कारी पार्टी है भारी पड़ जाएगा इसलिए हम कह रहे हैं।